नमस्कार। हेलो फ्रेंड, झटपट झटपट घरेलू डिश में आज अमेजिंग से रेसिपी बनने जा रही है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ट्रिकी और गेम वाले बच्चों के लिए स्पेशल ये रेसिपी आज हम बनाएंगे फ्रेंड, स्प्राउट पास्ता, जो बहुत ही अमेजिंग होगा और बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड। जो क्रिकेटर प्लेयर्स हैं उनके लिए देखिए, स्प्राउट बहुत ही जरूरी है फ्रेंड, बहुत ही हेल्दी है और हमारे माइंड और शरीर को स्ट्रोंग रखने के लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है फ्रेंड। मूंग दाल स्प्राउट से बनाइए। आजकल के बच्चे जो नहीं खाते हैं वो भी खाने लगेंगे। रात को भिगो के छोड़ दीजिएगा, फिर गर्म जगह पे, वार्म जगह पे इसको ढक कर छोड़ देंगे। देखिए हमारा स्प्राउट कितना अच्छा बन गया फ्रेंड। तो चलिए बच्चों के लिए बनाते हैं आज अमेजिंग सा स्प्राउट पास्ता। तो इसके लिए मूंग दाल लिए हैं फ्रेंड। 100 ग्राम मूंग दाल ले लीजिएगा, पानी में भिगो दीजिएगा और उसको ओवरनाइट और फिर गर्म जगह पे ढक के रख दीजिएगा, तब आपका स्प्राउट बहुत ही अच्छा निकलेगा। ये 1 पैकेट पास्ता। मूंगफली, इसमें सभी कुछ हेल्दी है फ्रेंड। मूंगफली 10 ग्राम ले लीजिएगा। बड़ी बादाम 8-10 ले लेंगे। नमक और तीखा तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं फ्रेंड, और ये थोड़ा सा विनेगर ताकि बच्चों को खटास भी आए और अच्छा लगे, स्वाद ही बहुत डिफरेंट और अमेजिंग हो। चलिए 2 मिनट में बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, पेन रख दिए हैं। अब इसमें 1 से 1.5 गिलास मीडियम साइज से पानी डालिएगा। अगर कप से डालते हैं तो 2 से 1.5 कप पानी डालेंगे फ्रेंड। बिल्कुल उबलने देंगे, एकदम उबलने देंगे। हमारा पानी बॉयल हो रहा है। पानी बॉयल होते ही हम डालेंगे ये पास्ता। पास्ता को अच्छी तरह से बॉयल होने दीजिए। देखिए फ्रेंड, ये देखिए बॉयल हो गया। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली को। मूंगफली भी इसके साथ बॉयल होने देंगे। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, छोटे वाले गैस पे चढ़ाएंगे फ्रेंड। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, छोटे वाले गैस पे चढ़ाएंगे। दो 3 मिनट हो चुका है। देखिए पास्ता आधा सॉफ्ट हो गया, ये देखिए। अब इसमें हम डाल लेंगे बड़ा बादाम, ताकि बच्चों को फुल न्यूट्रिशन मिले और बच्चे हेल्दी रहें, माइंड भी उनका हेल्दी रहे और शरीर भी हेल्दी रहे। अब इसके साथ 2-3 मिनट और उबलने देंगे। देखिए अब हमारा 2 मिनट हो गया, पास्ता बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल एकदम। फिर हम डाल लेंगे ये थोड़ा सा काली मिर्च। काली मिर्च फ्रेंड गले के खराश को भी दूर करता है। और 1 पैकेट पास्ता मसाला भी डाल लेंगे। अब ये सारे को एक साथ मिक्स करेंगे। नमक स्वाद अनुसार दीजिएगा। इस सारा न्यूट्रिशन बच्चों को दिमाग को खोल के रख देगा फ्रेंड, और प्लेयर्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्वाद अनुसार यहाँ पे हम डाल लेंगे हरी मिर्च। अगर खाना है तो डाल लीजिए, नहीं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं।
देखिए पूरा हमने दो दो मिनट करके यहाँ पे 6 मिनट इसको 6 से 7 मिनट पकाएं फ्रेंड, एकदम सुपर सॉफ्ट हो जाने के बाद ही आप इसमें स्प्राउट डालेंगे। स्प्राउट को ज्यादा नहीं पकाना है, इसका न्यूट्रिशन चला जाएगा फ्रेंड, बिल्कुल थोड़ा पकाना है स्प्राउट को, बस इसके साथ मिक्स करेंगे। और इसमें विनेगर डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच, बस इसकी खटास बहुत ही अच्छा होगा, अमेजिंग टेस्ट देने वाला होगा फ्रेंड। और नमक मसाले में भी रहता है तो थोड़ा सा नमक, 1 छोटा पिंच आप इसमें नमक डाल लीजिए। ये हेल्दी नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा आज अमेजिंग टेस्ट वाला ब्रेकफास्ट है फ्रेंड। अब हम गैस को बंद करेंगे और सर्व करेंगे, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार ये स्प्राउट बनकर तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड ये स्प्राउट पास्ता बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और झटपट चटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।